मामला ऐसा है कि जो यहाँ पे गर्दी के जो यानी कि क्राउडेड एरिया है वहाँ पे मोबाइल चोरी की ज्यादा घटना घटती थी, जैसे बर्डी हो गया, सदर हो गया। इसके ऊपर से माननीय सीपी साहब, जॉइंट सीपी रीजन और माननीय डीसीपी श्री मदने साहब और एसीपी बाविष्कर मैडम, इन्होंने हमको मार्गदर्शन किया था कि भाई जहाँ जहाँ क्राउडेड प्लेस है वहाँ पे आप ट्रैप लगाओ। इसके मुताबिक पिछले हफ्ते से हमारी डीबी टीम पीएसआई कुणाल, उनके जो साथीदार है, जो टीम वर्क है, तो वो पिछले हफ्ते में भी दो बार उन्होंने ट्रैप लगाया था, इस बार उनको सक्सेसफुल मिला। इनको एक आदमी दिखा, एक लड़का दिखा कि जो बैग लेके जा रहा था गाड़ी पे और संशयास्पद हालचाल थी उसकी, उसके पास में एक दो बच्चे भी आए थे और निकल गए थे, तो उन्होंने उसका पीछा किया, पीछा करके उसको पकड़ा और तो उसके बैग में जो मोबाइल मिले, तो इतने मोबाइल के बारे में ना कोई खुलासा कर सका वो। फिर उसी को लेके उसके घर पे गए। घर पे जाने के बाद में वो हाइड आउट था, एक छोटा सा रूम था, तो वहाँ पे सर्च कर लिया हमने, और जो गाड़ी थी उसके पास में वो भी चोरी की गाड़ी निकली, जो तपास के दौरान हमको वो गाड़ी भी चोरी की यूज़ कर लिया था। मोटो से ऐसा था इनका कि लोकल की गाड़ी चोरी करने के बाद में अगर कोई बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो ये लोकल का नंबर वाली गाड़ी अगर आती है वहाँ पे, तो आजू बाजू वाले लोग भी देखते हैं कि भाई ये लोकल का नागपुर का ही है और इससे गलती होगी एक बच्चे से चोरी करते हुए, तो उसको लोग भी छोड़ देते थे। लेकिन हमारी टीम ने अच्छा काम कर लिया, इसमें 675,000 का माल अभी तक रिकवर हुआ और बहुत सारे गुन्हे डिटेक्ट हो जाएंगे। अभी आईएमई नंबर से हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया, कंप्लेंट के पास में जल्दी पहुंच जाएंगे। ये है मोहम्मद रियाज मोहम्मद मुजाहिद, उम्र 23 साल है, ये रहता है झारखंड का है, जहाँ पे उसका गांव का नाम है मोती झरना, और इसके पहले भी शायद मोती झरना में कुछ कार्रवाई हो चुकी थी।